धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्ल्ड। मैं डॉक्टर मोहिदीन सा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान के अनुयायी, असली वाले गुरु और उनकी सोच और सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते समझते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। सत्संग जी, एक मसला है और पिछले 2-3 दिन से खिचड़ी बनी हुई है, खासतौर पर पंजाब के लोग तो इसे बारीकी से समझते हैं, पर हरियाणा या और जगह के लोग इसे इतना नहीं समझते हैं। तो कोशिश करते हैं इस खिचड़ी पे बात करने की भी, क्या मसला है क्या नहीं। प्रदीप कलेर, यूथ वेलफेयर फेडरेशन का प्रेसिडेंट, अचानक से मीडिया में आता है और पंजाब के लोग हाथ बहुत बारीकी से देख रहे हैं, हाँ, पर बहुत से हरियाणा के लोग पूछ रहे हैं भी ये मसला क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। और क्योंकि क्या है, ज़्यादातर डिस्कशंस जो हैं वो पंजाबी में हैं, और इसके अलावा क्या है कि जो प्रदीप कलेर है वो भी पंजाबी में बोल रहा है, ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि मसला क्या है, बातचीत क्या है, और ये अचानक से प्रदीप कलेर साबित क्या करना चाहता है, क्या बात ये कह रहा है, किस दिशा में जा रही है और क्या मतलब है इसका, और साथ संगत के संबंध में इसके क्या मायने हैं। इस सब को समझने से पहले हमें, आवाज़ ठीक नहीं है, हाँ आवाज़ माइक घूम गया था, अभी दोबारा चेक करना। तो इस सब को समझने से पहले क्या है, आपको सिख जो हिस्ट्री है या सिखों का जो सिस्टम है उसे समझना है, क्योंकि क्या पंजाबी वालों को तो सब कुछ समझ में आता है, हिंदी वाले क्या है अभी उलझे हुए हैं, कुछ तो मेरे जैसे ही हैं। तो आपको मोटे तौर पे एक चीज़ बता देते हैं कि सिख होते गए वो तो आपको सबको समझ में आता है भी, जो सरदार लोग हैं उन्हें सिख कहते हैं, और इसके अलावा उनके दो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर चलते हैं। एक क्या है भी, वो उनके जो आखिरी गुरु वो माने जाते हैं वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं। इसके बाद आपने देखा हो एक ग्रंथ है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। अब जिसको बिल्कुल बारीकी ना पता हो भी गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है तो उनको हम बता दें, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था पहले, बहुत बाद में पता चला है। तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है कि जो हरियाणा दिल्ली इलाकों के लोग हैं भी, इन्होंने कभी देखा हो भी, खास तौर पर नवंबर के महीने में झांकियां निकलती हैं गुरुद्वारों से, वो 5 लोग आगे भाला लेके या तलवारें लेके चलते हैं, उनके आगे आपने देखा हो पानी गिरते चलते हैं, लोग झाड़ू मारते रहते हैं, उनके पीछे एक ट्राली होती है, ट्रैक्टर होता है, वो ट्रैक्टर बड़ा डेकोरेट किया होता है, ट्रैक्टर के अंदर आपने देखा हो बड़ा डेकोरेट करके एक व्यक्ति बैठा होगा, वो सफ़ेद से बाल होंगे, वो ऐसे से झूल रहा होगा, तो उसके नीचे किताब रखी होती है, ग्रंथ, उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर आपको नहीं समझ आया, उसके पीछे बिल्कुल ट्राली के कोने में बैठो, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तो बिल्कुल ट्राली के कॉर्नर में बैठ के एक आदमी प्रसाद दे रहा होता है, हम जब बिल्कुल छोटे हुआ करते थे तब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ प्रसाद में होता था, तो इसे हमें नहीं पता था ये सब क्या होता है। तो अब तो चलो बड़े हो गए हैं, तो अगर आपको बिल्कुल कोई 16-17 साल के बच्चे हैं या ऐसे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो सिखिज्म में जो ग्रंथ है, एक्चुअली उस ग्रंथ के जैसे हिंदुओं में मूर्ति होती है तो उसमें भी ये मूर्ति भगवान है, ऐसे ही लोगों के लिए, सिख लोगों के लिए जो ग्रंथ है वो भगवान की तरह है, मतलब उनके गुरु की तरह है। और उनका ये मानना है कि जितने भी गुरु हुए, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह, तो करीब करीब 10 गुरु हुए, तो 10 के 10 गुरुओं की जो ताकत है वो इस ग्रंथ में समा गई है, और ये उनकी धारणा है। तो उस जैसे हम कह देते हैं कि हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग हैं, अलग अलग जगह 18 ज्योतिर्लिंग में सारी सृष्टि की ताकत समाई हुई है, ऐसी उनका कहना है कि जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ वो इस गुरु ग्रंथ साहिब में समाई हुई हैं, और ये उनकी आस्था है भी, इस ग्रंथ के अंदर जो लिखा है वो पढ़ते रहते हैं, अलग अलग गायक हैं वो उसको सुनाते रहते हैं गा गा के, कुछ समझाने वाले उसको समझाते हैं, तो ये सब प्रक्रिया एक सिख धर्म की है। अब क्या है कि इसके अलावा आपने कुछ लोग देखे होंगे नीले और संतरी केसरी कलर के या संतरी कलर के कपड़े पहनते हैं, वो एक तलवार रखते हैं और ऐसे गले में बेल्ट सी लगी होगी, उसको कृपान बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें उनकी हैं। और इन लोगों को बोलते हैं निहंग सिख। निहंग सिख क्या है कि अगर आपको कंपैरिजन वैसे करें तो फिर ये नाराज हो जाते हैं, पर आप इस तरह से समझो भी गुरु गोविंद सिंह के समय पे क्या था, आज के टाइम पे तो क्या है, ये कंप्यूटर है, मोबाइल है,
लड़ाई चल रही है, ट्विटर पे लड़ाई चल रही है, एक्स पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है। उस समय लड़ाइयाँ ये चीज़ें तो होती नहीं थी उस समय, क्योंकि ना तो कम्युनिकेशन के साधन थे, तो कम्युनिकेशन क्या चिट्ठियों से होता था या फिर कोई बंदा स्पेशल जाके बता के आता था। अब आज वाला तो ये नहीं पता भी कमरे से बाहर निकल के बात बदल दे। पहले एक थोड़े प्रोटोकॉल अलग थे, लोग कुछ ईमानदार भी थे। तो उस समय क्या है कि कुछ चार बंदे इकट्ठे कर लिए, कुछ कर लिए, तो लोग नाराज हो जाते, डरने लगते थे भी यहाँ पे यार हमारे पे कब्जा हो जाएगा वगैरह वगैरह, एकदम तो है नहीं, फोन करके पुलिस बुला लेंगे। तो ये सारी चीजें और तरह से थी उस समय। गुरु गोविंद सिंह को लेके आसपास के लोग जो जहाँ उनका डेरा कह लो या किला कह लो या जो भी उनका आश्रम कह लो, तो उसमें जो लोग थे वो आते थे, उनके जो शिष्य थे, सत्संग चलता था उनका भी वहाँ पे, जैसे भी चलता था, तो लोग इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होने लगे तो आसपास के जो राजा थे उनको लगा भी कल को ये गुरु गोविंद सिंह तो भी हमारी गद्दी कब्जा लेंगे, जिस हिसाब से जनता यहाँ पे जाने लगी है, ये कल को इकट्ठे हो गए हमारे को साइड में करके गुरु गोविंद सिंह को राजा बना देंगे। तो उन्होंने क्या है भी गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया अलग अलग तरीकों से। तो उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस कह लो भी, आत्मरक्षा के तौर पे अपने शिष्यों को सिखाना शुरू कर दिया और उनको ने उस तरह से एक फौज बना ली भी। ये फौज होगी जो उसे खालसा फौज कहा जाता है। अब क्या है कि जो आसपास के राजा थे और उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मतलब हम कहते हैं जैसे हरियाणा में कह लो भी अभी नायब सैनी की सरकार है या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन सेंटर में बीजेपी की है, ऐसी क्या जो लोकल लेवल पे सरकारें थी वो तो छोटे छोटे राजाओं की थी, जो सेंटर के लेवल की सरकार थी वो मुगल की सरकार थी। तो उन्होंने क्या किया, अभी सेंटर की सरकार के साथ मिलके हमले करने शुरू कर दिए गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों पे और उनको मतलब दबाना चाहा, ये सब चीज़ें उनकी लड़ाइयाँ चलती थी। और उन्होंने फिर एक उसके मतलब काउंटर में भी, अरे तो हमार को नाम जपने नहीं देते, भगवान का नाम लेने नहीं देते, ये काउंटर अपनी भी फौज खड़ी करनी पड़ी भी, ऐसे मरना थोड़ा ही, भी आत्मरक्षा तो सबका धर्म है। उस फौज को खालसा फौज कहा जाता। अब उस फौज में जो लोग शामिल होते थे उसका एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट में क्या था भी आपको अमृत पिलाया जाता था, अमृत छकाया जाता था और उस अमृत छकाने के बाद वो अमृतधारी सिख हो जाते। सभी अमृतधारी सिख खालसा फौज के सदस्य नहीं होते थे लेकिन खालसा फौज के सभी सदस्य अमृतधारी सिख जरूर होते थे। तो मतलब एक प्राइमरी कंडीशन थी, जरूरी नहीं है कि वो खालसा फौज में दाखिल हो लेकिन अमृत छकना मैंडेटरी है खालसा फौज में जाने के लिए। इसको दूसरी तरफ से जैसे समझें, जैसे ग्रीनेस फोर्स का मेंबर जो बनता है भी उसका नाम लेना जरूरी है, नाम लिया होना जरूरी है और जाम पिया होना जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है भी नाम जाम लेने के बाद आपको ग्रीनेस में जाना ही जाना है। ग्रीनेस में अगर हो तो नाम जाम लेना जरूरी है। तो इस तरह से कुछ समझ सकते हो। और ये सारी चीजें निहंग सिख फौज बनी, ये सब कुछ था। तो जो अमृत चकाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया 2007 में जब जामे इंसान चला तो जामे इंसान को उन्होंने कहा जी तो हमारी तरह भी तुम भी गुरु गोविंद सिंह की तरह अमृत चका रहे हो। अब गुरु गोविंद सिंह का क्या कॉन्सेप्ट था, उन्होंने क्या किया भी अपनी सारी संगत बुलाई और बुला के बोला भी ऐसा भी मारको ऐसे 5 बंदे चाहिए जो कुर्बानी दे सके। मतलब ऐसे लंबा प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि कुर्बानी दे सके। उन्होंने एक एक करके लोग आए सामने जो कुर्बानी दे सकते थे। अब जो भी उन्होंने खेल रचा वगैरह वगैरह कुछ भी हुआ तो उन जो उनमें से 5 लोग आए, 5 को ये 5 प्यारे बोलते हैं भी, 5 प्यारे जो लोग आए भी ये लोग मरने को तैयार थे धर्म के लिए, तो उन्होंने उनको 5 प्यारे कहा गया। उसके बाद वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही होगी जी, पता नहीं, चलो दोबारा जिसको ना आ रही हो बताना जी। अब जो 5 प्यारे बनाए गए ये 5, इसके बाद क्या है भी उन्होंने एक वो बनाया, कोई भी एक मतलब जैसे अमृत कोई लिक्विड कह लो, जैसे हमारे शरबत वाला दूध है, ऐसे उन्होंने अलग अलग तरीके से कोई चीजें मिक्स करके जो भी अमृत बनाया उसको अमृत कहा गया, मतलब एक तरह से, या कोई पंजाबी भाषा में खंडे दी पोल ऐसा कुछ वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट क्या है मुझे नहीं मालूम है, ऐसा ही कुछ है। अब क्या है भी जो उस अमृत को पिएगा वो जाति धर्म का भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा क्या है भी वो जैसे उनको कुछ नियम बताएगा भी, ये नियम आपने समाज में मानने हैं, और वो नियम थे भी समाज की सेवा करने के नियम थे, ऐसा तो था नहीं भी आपने जंग लड़नी है, लेकिन समाज में वो नियम मानने हैं।
इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब जब जामे इंसान 2007 में चला, उसका कुछ प्रारूप कह सकते हैं भी मिलता जुलता था। किस तरह से भी जामे इंसान को बोला गया भी जामे इंसान अमृत की नकल है, भी जैसे अमृत बनाया गया था ऐसे वो, तो लोग जैसे एक भाई लिख रहा है पताशे गोल के बनाया गया, तो वो उसकी जो रेसिपी थी वो अलग थी, जामे इंसान की रेसिपी अलग थी। उन्होंने अपने कोई नियम बना के दिए थे, हजूर पिताजी ने अपने नियम अलग बना दिए। उनके बनाए नियम में और हजूर पिताजी के बनाए नियम में बहुत अंतर है, मतलब बहुत रेयरली वो आपस में इतने मिलते नहीं है, लेकिन अंतर है क्योंकि हालात बदल गए हैं और परिस्थितियां भी बदल गई हैं, तकनीक बदल गई है और सरकारों के तौर तरीके बदल गए हैं, तो इसलिए वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, मतलब अमृत छकाना अलग चीज है और जामे इंसान की जो रेसिपी है वो अलग अलग है, उनके जो नियम है वो भी अलग अलग है, उनको बनाने का तरीका वो भी अलग अलग है। अब आता मसला भी जो 29 अप्रैल 2007 को एक जाम पिलाया गया, मैं आपको उसमें अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो हजूर पिताजी ने गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी है और उस ड्रेस उसके बराबर क्या है कि एक फोटो दिखाई जाती है गुरु गोविंद सिंह की, भी गुरु गोविंद सिंह की ड्रेस भी वैसी लगभग लगभग दिखती है, मतलब उस फोटो के अंदर, और ये ड्रेस एक जैसी सी लगती है। अब मसला क्या है कि मसला ये शुरू हुआ कि जो वो ड्रेस है वो बनाई किसने और वो ड्रेस हजूर पिताजी के पास पहुंची कैसे। अब अलग अलग नेता जो हैं, अकाली दल एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, बादल, बादल आपने नाम सुना होगा, तो बादल वाली पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। तो शिरोमणि अकाली दल के जो कुछ नेता हैं वो बागी हो गए, तो अब पंजाब के अंदर ये खबर घूमने लगी भी जो वो ड्रेस है वो शिरोमणि अकाली दल के जो मेन नेता हैं सुखबीर बादल, उसने बनाई थी, बनवाई, और उसने बनवा के हजूर पिताजी के पास भिजवाई थी और हजूर पिताजी ने 29 अप्रैल 2007 के दिन वो पहनी थी। और क्योंकि उस दिन जामे इंसान पिलाया गया और ये सब कुछ हुआ, तो उनका ये कहना है भी गुरु गोविंद सिंह जी जैसी ड्रेस पहन के, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे ही आपने अमृत बना लिया और वैसे ही, क्योंकि उन्होंने तो 5 लोग चुने थे, मतलब अपने आप उठ के आए थे कि जो लोग मरने को तैयार थे वो लोग उठ के आए थे अपने आप, इत्तेफाक से उनमें से 4 जो थे वो लोअर कास्ट के थे और जो भी था अलग अलग कास्ट के थे, मतलब इस तरह से, मतलब वो अमृत 5 लोगों का था, लेकिन हजूर पिताजी ने क्या है भी संगत में से लोग चुने थे, हजूर पिताजी ने उसे, उन्हें मतलब मरने के लिए कुर्बानी देने के लिए नहीं बुलाया था, वो वैसे ही रैंडमली अलग अलग जाति के लोग चुन लिए गए थे और उसमें से 6 लोग हजूर पिताजी ने चुने थे। 7वें की जगह, क्योंकि जो बहनों ने कहा भी हमारा भी हिस्सा होना चाहिए इसमें, तो 7वें के तौर पे माता जी को चुना गया था, भी क्या कहते हैं जो हजूर पिताजी के माता जी हैं, और हजूर पिताजी के माता जी के साथ साथ जो परम पिता शासक नाम सिंह जी महाराज के जो धर्मपत्नी थी, या उनको भी हम जलालाना वाले माता जी कह देते थे, तो वो भी मौजूद थे उस समय उस फंक्शन में, तो उनको भी बुला लिया गया था, लेकिन उन्होंने जाम के अंदर हाथ ना डाल के माता जी के हाथ के साथ हाथ जोड़ लिया था इस तरह से। तो करीब 7 या 8 लोग चुने गए थे और ये प्रक्रिया चली। अब मसला खड़ा हुआ भी क्या ये ड्रेस गुरु गोविंद सिंह की ड्रेस से मेल खाती है। मसला ये भी जो तस्वीर दिखाई जाती है भी क्या वो गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर है भी या नहीं, भी ये भी तो नहीं पता भी उस टाइम कौन सा फोटोग्राफर थे, भी गुरु गोविंद सिंह की फोटो है या नहीं है। अब क्या है भी हमने सर्च किया गूगल पे, तो मैं अगर आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं, चलो अभी दूर है मेरे से लैपटॉप, मैंने रखा है आपको मैं दिखाऊंगा, और अगर देखते हैं बनी जाएगा तो ये स्क्रीन आपको दिखी रही होगी। ये ड्रेस, ये फोटो देख रहे होंगे, जामे इंसान 29 अप्रैल की फोटो है ये। अब इस फोटो में क्या है भी जैसे कढ़ा रखा हुआ है, कढ़ाए में जामे इंसान है, इसमें पिताजी ने ड्रेस पहनी हुई है ये पिंक कलर की, मोटा मोटा आप देखते चलिए। अब ये फोटो आप देखना जिसमें लिखा है इस मामले में भी बड़ी मुसीबत है, इसमें क्या है भी एक फोटो दिखाई गई है ये पिताजी की फोटो के बराबर, किसी ने उनका कहना है भी देखो जी दोनों ड्रेस आपस में मेल खाती है भी, ये अगर आप देखोगे ना ये
वाली ड्रेस है और ये भी, उनको कहना है भी ये ड्रेस आपस में मेल खाती है और ये नकल की गई है। अब उसमें अगर आप ये फोटो देखते हो, जैसे ये वाली फोटो है, ठीक है, इसके अलावा अगर स्क्रीन पे और आ सकती कोई कंपैरिजन फोटो, और कोई फोटो तो इसमें, ये फोटो शायद क्लियर है, ठीक है। तो ये फोटो वो कंपेयर करके बताते हैं भी ये दोनों जो ड्रेस हैं वो एक जैसी सी है। अब क्या है भी प्रॉब्लम ये भी, जो ये फोटो है गुरु गोविंद सिंह जी की जिसे कहा जाता है, ये फोटो वास्तव में गुरु गोविंद सिंह की है ही नहीं, सबसे पहली चीज, क्योंकि ये फोटो किसी पेंटर ने अपनी कल्पना करके बना ली और उसको बोला जाता है शोभा सिंह। शोभा सिंह नाम का व्यक्ति था जिसने लगभग 20वीं सदी में ये फोटो अपने दिमाग की कल्पना करके बना ली भी कुछ ऐसे दिखते होंगे गुरु गोविंद सिंह। अपनी मर्जी का उसने ड्रेस में कलर दे दिया, ये सब कुछ अपनी मर्जी का है। तो ये सब गुरु गोविंद सिंह का पहनावा ऐसा था या नहीं था इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्या है भी चलो ये मसला राजनीतिक है। अब उन्होंने कहा भी ये वर्दी जी आपने ड्रेस जो है पहन ली, इसमें पिताजी ने कहा भी जो ये सिर पे पगड़ी सजाई जाती है, ये जो हजूर पिताजी के सिर पे है, ये पगड़ी नहीं है, ये एक प्लास्टिक की टोपी है और इस टोपी के ऊपर कपड़ा चिपकाया गया है। दूसरा क्या है, ये जो आपने देखा कमर पे कमरबंद बांधा हुआ है, ये जो कमरबंद पिताजी के बांधा हुआ है ये एक्चुअल में कमरबंद नहीं है, ये एक बेल्ट है और बेल्ट के ऊपर ही आगे से कपड़ा चिपकाया गया है, ये बेल्ट है। और ये एक्चुअल में ये ड्रेस जो है मौके पे पुलिस रिकॉर्ड में, अदालत के रिकॉर्ड में ये ड्रेस पड़ी है, ये कोई डेरे के पास नहीं है, अभी भी उनके पास ही है, तो वो इसको देख भी सकते होंगे। पहली बात तो ये भी ये गुरु गोविंद सिंह की फोटो है ही नहीं। अब जबरदस्त, और ये हम नहीं कहते, ये अकाल तख्त ही बोलता है ये गुरु गोविंद सिंह की फोटो नहीं है। और दूसरा, जब ये गुरु गोविंद सिंह की फोटो नहीं है तो ये उनकी ड्रेस भी नहीं हो सकती, लेकिन चलो वो क्या है भी उनको अपनी राजनीति साधनी, उन्होंने मसला अपने हिसाब से बना रखा है। और मसला क्या हुआ, यहां से मसला शुरू हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी मजेदार, आप इसको थोड़ा, ये हमने गूगल पे सर्च कर रखा है, तो मैं बस थोड़ा दूर आई लैपटॉप, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं कुछ। यहां पे आप गूगल पे टाइप करेंगे जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये आपको मैंने सर्च किया हुआ पहले। अब ये फोटो देखो, ये क्या फोटो, ये ठीक बिल्कुल वैसी ही ड्रेस है जैसी आपको गुरु गोविंद सिंह वाली ड्रेस दिखाई देती है। अगर आपने अभी गौर किया हो तो ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे गुरु गोविंद सिंह की उसमें दिखाई गई थी फोटो में। ये कौन है भला जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये क्या है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के दौर के बाद कोई राजा हुआ एक इलाके का, रामगढ़िया मिसल कह देते हैं उसको, उस इलाके का राजा था जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये भी एक सिख था। अब ये ऐसे कपड़े पहन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक यही ड्रेस उस तस्वीर में बनाई गई और लगभग ऐसा ही चेहरा बनाया गया शोभा सिंह द्वारा, जिसको गुरु गोविंद सिंह बता दिया जाता है, थोड़े बहुत नए नक्श ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इसी तरह की पर्सनैलिटी बनाई गई। अब मतलब क्या है कि अगर आप कहेंगे भी क्या जस्सा सिंह रामगढ़िया भी जो है वो गुरु गोविंद सिंह के कपड़े, गुरु गोविंद सिंह जैसे कपड़े पहनता था, तो ये, और हालांकि ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है मतलब सिखों में जस्सा सिंह रामगढ़िया, तो ये यहां से मसला शुरू हुआ कि भई ये ड्रेस किसकी है। अब क्या है भी हमने अपने लेवल पे स्टडी की भी गुरु गोविंद सिंह जी की असली फोटो कौन सी है, तो पंजाब के अंदर अगर आप जाओगे तो पंजाब में गुरु गोविंद सिंह की फोटो अलग है, जब आप हिमाचल में जाओगे तो हिमाचल में गुरु गोविंद सिंह की फोटो अलग है, जब आप महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में नांदेड़ या हजूर साहिब वाली जगह है जहां पे एक और तीर्थ स्थान है गुरु गोविंद का सिखों का, वहां पे जाओगे वहां पे गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर अलग है, मतलब सबने अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह की फोटो बना रखी है, एक्चुअल फोटो कौन सी है नहीं पता, फिर भी हमने स्टडी की चलो कोई एक्चुअल फोटो मिल जाए। तो एक मंडी का गुरुद्वारा है हिमाचल प्रदेश में, हमने इस पर रिसर्च पूरी की है और मैं खुद वहां जाके भी आया हूं, एक मंडी शहर है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे गुरु गोविंद सिंह का कोई ऐतिहासिक गुरुद्वारा है,
और उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह की एक फोटो पड़ी है और उस फोटो पे लिखा हुआ है भी ये उनकी ओरिजिनल फोटो है, क्योंकि ये फोटो वहां के राजा ने बनवाई थी अपने उसमें क्या कहते हैं अपने कलाकारों से जब गुरु गोविंद सिंह वहां पे आए थे। अब वो भी फोटो ओरिजिनल है या नहीं है इसका भी कोई दावा नहीं है, लेकिन वो ये कह के दिखाते हैं भी ये फोटो ओरिजिनल है। मसला है कि अभी गुरु गोविंद सिंह की असली फोटो जो है और वो फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट, वो कलर्ड नहीं है। फिर आया भी अब उनके कपड़े कैसे हैं, तो पंजाब के अंदर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के अंदर एक कपड़े पड़े हैं और वो कहते हैं भी ये कपड़े गुरु गोविंद सिंह के हैं। वो कपड़े बिल्कुल अलग ड्रेस है, बिल्कुल सादा सा कपड़ा है, ब्राउन कलर का वो कपड़ा है, बिल्कुल अलग ड्रेस है। तो वो जो कपड़े हैं वो कपड़े गुरु गोविंद सिंह के, जिसका इस ड्रेस से जो आप तस्वीर में देख रहे हो या इससे पहले जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई उससे इन सब का कोई लेना देना नहीं। वो जो ड्रेस है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, मतलब आपके पास सबूत के तौर पे एक ऐतिहासिक ड्रेस भी है जिसका इस ड्रेस से कोई मेल जोल नहीं है। उस ड्रेस को देख के आपको लगेगा भी गुरु गोविंद सिंह का जो लिबास है वो एक सादा लिबास था, बिल्कुल सादा सिंपल लिबास, और वो इतना जैसे इसमें आलिशान दिखाया गया इस तरह इतना आलिशान नहीं लिबास था, एक सिंपल सादा लिबास है। लेकिन इसमें थोड़ा क्योंकि राजाओं के तौर पे दिखाते हैं फोटो में ऐसा है। अब मसला ये हुआ भी क्योंकि उस टाइम जो सिखों को लेके उनको अकाली दल को अपनी राजनीति साधनी थी, वोटों का ध्रुवीकरण करना था, उस ट्रैक पे चीजें चल रही थी। मसला क्या उसके बाद आया जी, इसको इस ये जो आपने ड्रेस पहनी है और जो जामे इंसान पिलाया भी इसके ऊपर माफी मांगो, भी तो आपने गलती कर दी। तो अब माफी किस चीज की मांगे भी, जो ड्रेस हजूर पिताजी ने पहनी, पहले ये तो पता चले भी ये गुरु गोविंद सिंह की ड्रेस है भी या नहीं है। दूसरा भी जामे इंसान गलत है या सही है ये कैसे साबित हो, भी ये जो अमृत संचार है भी उसकी नकल है। नकल के लिए तो तब होता है जब वो बिल्कुल वैसे पांच प्यारे बनाए जाते, वो सब कुर्बानियां ली जाती, ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये मसला यहां तक क्या है भी, तीन से चार बार माफीनामे जबरदस्ती के तौर पे भेजे गए। हजूर पिताजी ने कोई भी माफीनामा माफी के तौर पे ना भेज के इस स्पष्टीकरण के तौर पे भेजा भी आपको गलत फहमी है भी ये ड्रेस गुरु गोविंद सिंह की ड्रेस से मेल खाती है। तो ये मतलब एक उन्होंने कहा भी आपको गलत फहमी है भी गुरु गोविंद सिंह की ड्रेस से ड्रेस मेल नहीं खाती। दूसरा ये भी जो जामे इंसा की प्रक्रिया है ये अमृत संचार की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। अमृत संचार की प्रक्रिया तब चली जब उनको लड़ने की नौबत आ गई थी, उनके ऊपर हमले होने लगे थे, उस तर्ज पे नौबत आ गई थी। डेरे को कोई लड़ने की नौबत नहीं आई थी, लड़ाई हमेशा बुराई से थी, लड़ाई कभी भी बंदों से लड़ाई नहीं थी, भी राजा कोई राजगद्दी हथियाने की लड़ाई नहीं थी। अगर आप गुरु गोविंद सिंह की जितने भी हिस्ट्री की लड़ाइयां पढ़ेंगे वो सारी लड़ाइयां सेल्फ डिफेंस में है, वो अपने आप से सेना लेके किसी पे हमला करने कभी नहीं गए, वो सारी लड़ाइयां सेल्फ डिफेंस में लड़ी गई। जो उनके बाद की लड़ाइयां हैं इतिहास में जो बंदा सिंह बहादुर ने लड़ी हैं, वो लड़ाइयां लड़ी गई अटैक करने के इरादे से पंजाब को आजाद कराने के कि मुगलों से, लेकिन जो पहले की गोविंद सिंह के समय की लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ इस तर्ज पे लड़ेगी भी सेल्फ डिफेंस है। तो ये सब प्रक्रिया, अब उन्होंने कहा भी ये तो ड्रेस हमारी आपने नकल कर ली है इसकी माफी मांगो, तो भी वो माफी तो तब हो जब ये पता चले भी ये ड्रेस प्रूफ क्या है भी ये ड्रेस गुरु गोविंद सिंह की ड्रेस से मेल खाती है। जिस फोटो से कल्पना कर रहे हो पहले उस फोटो को जस्टिफाई करो, ये फोटो गुरु गोविंद सिंह की है या नहीं है। फिर जो आपके पास ओरिजिनल ड्रेस पड़ी है उस ओरिजिनल ड्रेस को दिखाओ लोगों को भी, ओरिजिनल ड्रेस ये है और हमने पहनी ये वाली। तो जब स्पष्टीकरण के तौर पे पहली जब चिट्ठी लिखी गई हजूर पिताजी की तरफ से, तो वो चिट्ठी भेजने नहीं दी मैनेजमेंट ने, तो उन्होंने अपनी तरफ से चिट्ठी माफीनामा बनाया। फिर वो पिताजी की तरफ से माफीनामा नहीं बना था, वो अपनी तरफ से बनाया और वो भेजा गया, क्योंकि अब जब मैनेजमेंट ने बनाया तो जाहिर सी बात है उस पर पिताजी ने सिग्नेचर नहीं किए होंगे। और अब वो माफीनामा क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ये सब चीजें चल रही थी और सिख वोट का ध्रुवीकरण था, और दूसरी भाषा में कहे तो पंजाब में उस समय में आप अगर हिस्ट्री मतलब समझोगे बैकग्राउंड जाके, तो
नशा माफिया बहुत स्पीड से पनप रहा था और पिताजी को लेके सब चीजें बड़ी दिक्कत में थी कि अगर हजूर पिताजी का पंजाब में आना जाना रहेगा तो नशा माफिया नहीं पनप पाएगा। उस कॉन्सेप्ट पे ये चीजें चल रही थी पंजाब में। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी जो नशा माफिया के जो लोग हैं उन्होंने उनको सजा भी हुई है 10-10 साल की। अभी कोई केस जगदीश पोला ऐसा कुछ केस है, आप गूगल पे जगदीश भोला नशा माफिया ड्रग माफिया ड्रग्स केस सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये पंजाब में उस टाइम ये नेटवर्क उठ रहा था और पिताजी के आने से वो उनको प्रॉब्लम थी। तो ये एक्चुअल राजनीति चल रही थी किसी तरह हजूर पिताजी को पंजाब से बाहर किया जाए। सवाल ये है कि हजूर पिताजी के पास ये ड्रेस मान लो अप्रैल में आई, 29 अप्रैल से पहले आई होगी, 29 अप्रैल के बाद तो नहीं आई है, पहले आई। अगर ये अकाली दल के नेता या पंजाब के रिपोर्टर या पंजाब के नेता अलग अलग व्यक्ति ये बात बोल रहा है, इस ड्रेस को बनवाने के लिए अकाली दल के नेताओं का हाथ था, इसका मतलब उनको ये बात पहले से पता थी कि 29 अप्रैल 2007 के दिन जामे इंसा पिलाया जाएगा। तो ये बात अकाली दल के नेताओं को कैसे पता थी, इसका मतलब किसने बताई? तो इसका मतलब क्या है भी एडम ब्लॉक और अकाली दल के नेता आपस में मिले हुए थे, उनको ये बात बताई। इसके बाद हमारे पास एक पुख्ता सबूत है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, पुख्ता सबूत है जिसमें मार्च 2007 में 31 मार्च 2007 से पहले पहले, मतलब मार्च 2007 में 45 मेंबर या 25 मेंबर होते होंगे उस समय, उन्होंने कुर्बानी समिति बनानी शुरू कर दी थी। अब जब कुर्बानी समिति मार्च में क्यों बन रही थी, कौन बना रहा था, और ये हमारे पास पुख्ता सबूत है, मतलब इसको मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 29 अप्रैल को ये मसला उसके बाद 13 मई के बाद खड़ा होता है ये मसला, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद पिताजी 6 मई को भी जाम पिलाते हैं पंडाल में, उसके बाद 11 मई को भी सलावतपुरा में जाम पिलाया जाता है, 13 मई को भी पिलाया जाता है, और 14 मई से ये मसला खड़ा होता है। असल में मसला ये पोशाक का या फिर इस चीज का था ही नहीं, क्योंकि यह मसला अगर सिर्फ यहां तक सीमित होता तो फिर इनके तथ्यों की जांच होती और ये सब कुछ हो सही होता। मसला क्या है भी, इनकी अपनी बनाई एक अदालत है और इस अदालत को अकाल तख्त बोलते हैं, उनकी भाषा में श्री अकाल तख्त साहिब बोलते हैं, क्योंकि उनको हर चीज एक इंसानी पर्सनैलिटी से जोड़नी है, उनके हिसाब से इन बिल्डिंगों में इन सब चीजों में, मतलब गुरु नानक देव जी से ले गुरु गोविंद सिंह की शक्तियां समाई हैं, तो वो उसको एक लिविंग क्रिएचर कंसिडर करते हैं, चाहे वो निर्जीव वस्तु में भी क्यों ना हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट बना कि अकाल तख्त ने क्या किया, अभी 13 मई के बाद 17 मई को एक हुक्मनामा जारी कर दिया। अब ये किस तरह की अदालत है जो वन साइडेड फैसले सुनाती है, दूसरे का पक्ष सुनती नहीं है, पर चलो जैसी भी इनकी अपनी बनाई अदालत है, अपने तौर तरीके हैं। अब एक तरफ 1999 से ये बात बोली जाती है भी अकाल तख्त और एसजीपीसी के ऊपर शिरोमणि अकाली दल के नेता बादल फैमिली का कब्जा हो चुका था, ये हम नहीं बोलते, ये उस समय के अकाल तख्त के जत्थेदार बोलते हैं, मतलब जो अकाल तख्त के बॉस थे, टी टॉप लीडर पे बैठते थे उन लोगों, वो लोग ये बात बोलते हैं भी 1999 में भी अकाल तख्त के ऊपर शिरोमणि अकाली दल की बादल फैमिली का कब्जा हो चुका था। इसका मतलब क्या है भी, जो अकाल तख्त से फैसले दिए जाते थे उसका शिरोमणि अकाली दल से सीधा सीधा कनेक्शन था। 2007 में 17 मई को एक हुक्मनामा जारी होता है कि भी आपको, आपने गलती करी है, और गलती मतलब हजूर पिताजी ने गलती करी है नकल करके। अब एक तरफ अकाल तख्त खुद ही बोलता है कि भी ये तस्वीर असली नहीं है, एक तरफ वो बोलता है भी ये तस्वीर असली नहीं है, लेकिन फिर भी इस तस्वीर में जो ड्रेस पहनी है वो ड्रेस हजूर पिताजी नहीं पहन सकते। तो फिर जस्सा सिंह रामगढ़िया कैसे पहन सकता था पहले, अगर ये सिख सिद्धांतों के नियम के अनुसार था। मसला ये कि ड्रेस का मसला, ड्रेस क्या एक निर्जीव वस्तु है और सिख धर्म में जड़ पूजा अलाउड नहीं है, मतलब निर्जीव वस्तुओं की पूजा अलाउड नहीं है। आप अगर जाएंगे तो आप देखना भी पहले, ये तो आपकी बात अलग है, अगर आप पुराने टाइम पे अगर गुरुद्वारों में जाते थे तो वहां पे आपको ऐतिहासिक गुरुद्वारों में आपको शस्त्र मिलेंगे, लेकिन पंजाब में नियमावली बहुत कम मानी जाती है सिख धर्म को लेके। लेकिन आप पंजाब से बाहर अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, बिहार में जाएंगे,
तो वहां पे नियमावली ये ज्यादा मानते हैं, राजस्थान में भी कुछ हद तक मानते हैं। तो वहां पे क्या है, हथियार रखे हुए हैं गुरु गोविंद सिंह के समय के, जो हथियार वो इस्तेमाल में लाते थे लड़ाई के दौरान, उन हथियारों को म्यूजियम की तरह डिस्प्ले में रखा जाता है, और उन हथियारों के सामने दान पात्र नहीं रखा जाता। लेकिन अगर आप पंजाब में आएंगे तो पंजाब में आपको उन हथियारों के सामने भी दान पात्र रखा मिलता है। मतलब क्या है कि आइडियली सिख धर्म में जड़ पूजा अलाउड नहीं है, मतलब अगर आप डेरे के कल्चर को और सिख कल्चर को मिलाएंगे लगभग एक जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है भी उनके पास जीवित गुरु नहीं है इंसान के रूप में, वो एक ग्रंथ को गुरु मानते हैं, बाकी सब कॉमन है। और उस कॉन्सेप्ट पे भी जैसे डेरे में जड़ पूजा नहीं है, ऐसे सिख धर्म में भी जड़ पूजा नहीं है। अब उनके हिसाब से भी ड्रेस कोई पूजनीय वस्तु नहीं है और ड्रेस कोई क्लेम नहीं है। मतलब कल को आप बोलो भी गुरु गोविंद सिंह की जैसी तलवार तलवार नहीं बना सकते आप, तो क्या गुरु गोविंद सिंह की तलवार पे कॉपीराइट है भी, क्यों नहीं बना सकते? आपको जो गुरु गोविंद सिंह जैसे कपड़े नहीं बना सकते भी, अब कैसे पता है गुरु गोविंद सिंह क्या सिर्फ एक ही तरह का कपड़ा पहनते होंगे भी, वो भी कपड़े बदलते भी होंगे कभी ना कभी, तो अलग अलग तरह के कपड़े होंगे उनके। लेकिन अब जिस तरह कपड़े उन्होंने पहन लिए, क्या वो सारे कपड़े मार्केट में बैन हो जाएंगे? तो अब कैसे पता चले भी गुरु गोविंद सिंह के ओरिजिनल कपड़े कौन से हैं? चलो खैर, इन्होंने अपनी एक अदालत बनाई अकाल तख्त, थोड़ा सा अकाल तख्त ने बोल दिया हम कह रहे हैं तो मान लो भैया, होगा भी हम ही हैं भैया, जो हम कह देंगे वही सच है, ब्रह्म वाक्य है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी। अब माफी तो तब मांगे जब गलती हो, लेकिन चलो यहां भी सब चलता रहा और चलते चलते मसला 3-4 माफीनामे भेजे गए। उसके बाद 2015 का मसला आता है। 2015 में मार्च सॉरी पहले 2007 में जो अकाल तख्त ने एक फैसला दिया, उस फैसले में जो अपना ऑर्डर जारी किया, जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर पे लिखा भी जो डेरे के प्रेमी हैं भी, इनको इनसे आपने ना तो दोस्ती रखनी है, ना भाईचारा रखना है, ना ही मतलब आपने इनके घर अपनी लड़की ब्यानी है, ना इनकी लड़की से रिश्ता लेना है इनकी लड़की का, मतलब इस लेवल पे आ गया। तो उसमें क्या है भी, अब गांव में आम लोग में क्या है भी, घर में कुछ लोग अमृतधारी सिख हैं, कुछ ससंगी हैं, अब एक ही परिवार में अलग अलग लोग तरह के लोग हैं, कोई ससंगी बन गया, कोई सिख बन गया, कोई नानक सर कलेरा में जाता था, कोई किसी और डेरे में जाता, क्योंकि पंजाब में भी अलग अलग संतों के डेरे हैं, तो ऐसे सब अलग अलग जगह के ससंगी थे ही, तो कुछ डेरे के भी थे, डेरे वालों की गिनती कुछ ज्यादा थी। तो जब ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो ऐसे में क्या हुआ, जो डेरे के लोग थे ससंगी थे, वो भी गुरुद्वारों में भी जाते थे, गुरुद्वारे वाले लोग डेरे की नाम चर्चा में भी आ जाते थे। अब ये सारे अलग अलग हो गए, मतलब नाम चर्चा वाले नाम चर्चा में रहो, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे में रहो, मतलब आपस में मेलजोल नहीं रखना है, मतलब आपसी समाज की लड़ाई हो गई। लड़ाई में बहुत सारे झगड़े भी हुए, बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे जख्मी भी हुए, लोगों के घरों में आग लगाई गई, लोगों को गोलियां मारी गई, डेरों में भी आग लगी, वो सब कुछ चला। अब ऐसे में जब अकाल तख्त ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आपने संबंध नहीं रखना है, तो 2009 में लोकसभा चुनाव होते हैं, उस लोकसभा चुनाव में अकाली दल समर्थन मांगता है किससे, राजनीतिक विंग से। सबको पता है भी राजनीतिक विंग जगजीत जो डेरे का जो माइक पे बोलता था अभी वही चलाता था 2006 से, सबसे पहले उससे पहले गुरबाज सिंह प्रबंधक बना, उसके बाद जगजीत सिंह बना। पंजाब के अंदर अकाली दल की राजनीति दो ही व्यक्तियों के जरिए घूमती थी, एक जगजीत सिंह और दूसरा जोरा सिंह। जोरा सिंह सिकंदर सिंह मुल्लुका का खास आदमी था और जगजीत सिंह सुखबीर बादल का खास आदमी था, तो ये दोनों ही चलते थे, इनके हिसाब से ही सब कुछ होता था। और यही व्यक्ति जो फटीचर थे और आज अरबोंपति बन गए सिर्फ इसी राजनीति को खेलने में। खैर ये सब चलता रहा। अब प्रदीप कलेर 2014 में आता है, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 2008 में बनती है, 2014 में वो प्रेसिडेंट बनता है नहीं बनता, क्योंकि हजूर पिताजी जब भी किसी बंदे को प्रबंधक या चुनते थे सब कुछ, तो वो संगत के अंदर नारा लगवाते थे भी ये बंदा आपके ब्लॉक की या आपके स्टेट के लेवल का बंदा चुना गया। तो जो नामा जो हजूर पिताजी ने प्रदीप कलेर को बनाया जिम्मेवार, वो यूथ वेलफेयर फेडरेशन का बनाया था। राजनीतिक विंग का जिम्मेवार किसने बनाया, इसके तौर पे संगत के सामने, राजनीतिक विंग के बतौर हेड संगत के सामने ये मंजूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब वो एडम ब्लॉक ने अपनी तरफ से उसको बना रखा है कि राजनीतिक विंग का ये नेशनल प्रेसिडेंट था या जो भी, वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ दो ही इलेक्शन में ज्यादा हाईलाइट हुआ है, 2014 में हरियाणा के
और 2015 में दिल्ली के ज्यादा हाईलाइट हुआ। मसला यहाँ भी नहीं है, मसला यहाँ है कि 2007 में जो अकाल तख्त का हुक्मनामा या ऑर्डर जारी हुआ उसके बाद से जो बादल फैमिली है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेरा के टच में रही, मतलब उन्हीं के बनाए हुए या उन्हीं के कब्जाए हुए या उन्हीं के घोषित जो अकाल तख्त या SGPC के लोग हैं उन्होंने तो गरीब लोगों के लिए आम लोगों के लिए ये घोषणा कर दी कि भाई तुमने डेरे के लोगों से संबंध नहीं रखना और खुद वो संबंध बनाए रखे, वो संबंध खुद बनाए रखे। और हाल ही में दो अभी आज सुबह ही या कल मेरे ख्याल से एक पत्रकार का वीडियो आया, हमने अपने फेसबुक पे भी डाला है, भी 2014 में लोकसभा चुनाव में बठिंडा सीट पे सुखबीर सिंह बादल की वाइफ को वोट देने थे, इसके बदले में हजूर पिताजी के दामाद को पेट्रोल पंप दिया गया दान में एक तरह से कि पेट्रोल पंप ले रहो और हमें वोट दिलवा दो, क्योंकि पंजाब में शाने मीत जी एक्टिव हैं तो हो सकता है पॉसिबली शाने मीत जी को मिला हो, लेकिन हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं है कि किसको मिला। अब वो पत्रकार दावा कर रहा है, वो कह रहा है भी ये डॉक्यूमेंट्स पे सरकारी तौर पे दिया गया। तो अब आ जाओ 2015 में, जून 2015 में एक बुर्ज जवाहर सिंह वाला एक गांव है, उस गांव से एक ग्रंथ गायब हो जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम कह रहे थे शुरुआत में, वो गायब हो जाता है गुरुद्वारे से, और उस गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने गुरुदेव सिंह नाम के व्यक्ति की दुकान है, और वो कहा जाता है भी उसका इसमें योगदान था गुरु ग्रंथ साहिब को चोरी करवाने में। मसला क्या है भी, गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ है जो एक कागज के ऊपर अक्षर प्रिंट हुए हैं, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब कोई भी कंप्यूटर के प्रिंटर से प्रिंट करा के निकाल सकता है, लेकिन क्या है भी इसको पब्लिकली दिखा नहीं सकता, बेच नहीं सकता। आप अपने घर में है, मैं आपको अगर अपनी स्क्रीन पे भी दिखाऊं तो आपको बड़े सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा कि मोटे तौर पे आपको देख लीजिए कि क्या होता है गुरु ग्रंथ साहिब। ये कुछ ऑनलाइन है, अगर आप इसको थोड़ा क्लियर देख पा रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन दिख मतलब है, और करीब करीब ये 1450 पेज का एक ग्रंथ है, ये आपको यहाँ पे नंबर दिख रहे हो अगर स्क्रीन पे क्लियर, तो ये पूरा लगभग 1430 पेज का ये ग्रंथ आता है और इसे गुरु ग्रंथ साहिब का। अब ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन है तो आपके घर में प्रिंटर आप कमांड देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि एक सिखों का अपना एक नियमावली है भी आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। इसी तरह ये हिंदी में भी आता है, लेकिन ये हिंदी में मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब आप इसको कोई भी पेपर है PDF है प्रिंटर पे कमांड देगा ये बन जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ा ही है। तो ये होता है गुरु ग्रंथ साहिब। अब ऐसा ही प्रिंट किया हुआ एक किताब बनी हुई है, उसको चोरी कर लिया गया। अब क्योंकि जो सिख लोग हैं वो इसको एक्चुअल गुरु मानते हैं अपना, तो उन्होंने कहा भी ये तो हमारे गुरु को चोरी कर लिया गया, मतलब एक तरह से गुस्ताखी है, बड़ा क्राइम है, और इसके ऊपर मामला दर्ज हो गया। इसके बाद जून 2015 से लेके गैप पड़ जाता है, लगभग सितंबर 2015 आ जाता है, और सितंबर 2015 में MSG2 फिल्म, MSG1 तो फरवरी 2015 में रिलीज हो जाती है, लेकिन MSG2 फिल्म रिलीज होने की कगार पे होती है। ऐसे में ये चर्चा डेरे में चलती है भी MSG1 फिल्म जो है वो पंजाब में रिलीज नहीं हुई, तो जो MSG1 फिल्म का अनुमान जो बिजनेस है वो उम्मीद के हिसाब से जब नहीं मिला तो उनको लगा भी पंजाब में फिल्म रिलीज हुई होती तो शायद ज्यादा कमाई हो जाती, तो इसलिए ये कयास शुरू हुए भी MSG2 फिल्म पंजाब में रिलीज होनी चाहिए। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, MSG2 फिल्म पंजाब में रिलीज हुई और ये फिल्म के पीछे एक और कहानी है, वो कह भी पंजाब में तो भैया आपको ये घोषणा की गई है भी डेरे का कोई कार्यक्रम इस तरह से होगा नहीं, तो उनका भी ये फिल्म भैया सिख जो लोग हैं उनको हुक्मनामा जारी है वो इसका एतराज उठाएंगे भी आप ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। अब क्या है कि इस फिल्म को रिलीज कराना जरूरी है, आपको ये जानकारी दे दें भी ये फिल्म ना तो अकाल तख्त की सहमति से रिलीज हुई थी ना अकाली दल की सहमति से, ये फिल्म हाईकोर्ट के ऑर्डर से रिलीज हुई थी। तो ये फिल्म हकीकत एंटरटेनमेंट ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, लेकिन क्या है भी वो सारी चीजें कहीं है ही नहीं। मसला क्या है भी इसके बाद है कि ये फिल्म रिलीज होने के लिए माफीनामा जो है अभी अगर जो
जो गुरु अकाल तख्त ने जो ऑर्डर जारी किया था 2007 में, भी उसका कैंसिल होना जरूरी है। तो उसको लेके एक खिचड़ी पकाई गई, और ये खिचड़ी में क्या है जी, माफीनामा आया है जी, और ये माफीनामा मंजूर हो गया। अकाल तख्त वो माफीनामा मंजूर कर लेता है। अब क्योंकि हजूर पिदाई ने तो सिर्फ बस सफाई दी थी, भी है तुम्हारे को गलत फहमी है, माफीनामा तो दिया ही नहीं। जब माफीनामा दिया ही नहीं तो फिर वो माफीनामा कैसे बन गया? तो उन्होंने क्या किया, कागज के ऊपर नीचे लिख लिया भी ये हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। मतलब पंजाबी में इसको बोलते हैं खिम्मा दा जाचक, इसका मतलब होता है भी हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। जबकि पिदाई ने यह बात कहीं किसी माफीनामे में लिखी ही नहीं थी। अब क्योंकि अब जो कहानी प्रदीप कलेर सुना रहा है वो कहानी ये है कि पिताजी ने माफीनामा भेजा जैसा वो कहता है, और वो उस माफीनामे को लेके आया, और इस माफीनामे को लेके एक डील हुई। इस डील के बाद वो माफीनामा मंजूर हो गया और फिल्म रिलीज हो गई। अब इसमें हाई कोर्ट चैप्टर से कैसे बाहर हो गई पता नहीं, ये फिल्म रिलीज हो जाती है। रिलीज होने के बाद क्योंकि अब इसमें सिखों का क्लैश हो सकता है डेरे के साथ, तो बाकायदा जो थिएटर हैं, मूवी हॉल हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए जाते हैं। ये फिल्म चलती है, उसके बाद बाकी की फिल्में भी चलने लगती हैं, क्योंकि सारा मसला फिल्म चलाने तक सीमित था। तो माफीनामा आया, माफीनामा मंजूर हुआ, फिल्म चली, माफीनामा बंद हो गया, कैंसल हो गया, फिल्म कैंसल नहीं हुई, क्योंकि फिल्म का फायदा एडम ब्लॉक जो कंपनी थी हकीकत एंटरटेनमेंट उसको था, डेरे को नहीं था, पिताजी को नहीं था, वो फायदा था हकीकत एंटरटेनमेंट को। उसका मालिक कौन? उसका मालिक सीपी अरोड़ा, उसका मालिक राकेश दिड़बा। तो डील किसके थ्रू थी? ये डील इनके बीच में थी कि हमारी कंपनी पैसा कमाए, और मसला ये था भी फिल्म चल जाए भी, अगर माफीनामा मंजूर हो गया तो पिताजी ने क्या किया भी, बोला भी जब माफीनामा मंजूर होगा तो सत्संग ही कराओ ना, फिल्म फुल्म छोड़ो, सत्संग ही करते हैं जाके। तो अब सत्संग ना करना पड़ जाए इसलिए सब हुआ। अब प्रदीप कलेर की बात को अगर सच माने, 23 या 24 या 25 सितंबर के दिन, मेरे ख्याल 23 सितंबर या शायद 25 सितंबर 2015, इस दिन पे माफीनामा मंजूर होता है। मतलब हम कहें भी 25 सितंबर मान लेते हैं, 25 सितंबर की सुबह माफीनामा मंजूर होता है, और प्रदीप कलेर के अनुसार एक डील होती है भी इस डील से फिल्म चल जाएगी और माफीनामा मंजूर होता है। लेकिन 25 सितंबर की शाम को महेंद्र पाल बिट्टू अपने कुछ लोगों को साथ में लेके गांव के अंदर एक पोस्टर लगा देता है, दो चार पोस्टर और लगवा देता है भी हमने तुम्हारा गुरु चोरी किया है, हम तुम्हारे गुरु को गलियों में रोल देंगे, जो रोक सकता है तो रोक लो। मतलब एक तरफ फिल्म चलाने की तैयारी हो रही है, एक तरफ लड़ाई करवाने की भी तैयारी हो रही है। अगर ये सिर्फ 100 करोड़ 200 करोड़ की डील थी या पैसे कमाने तक सीमित होता, तो फिर जो व्यक्ति 100 करोड़ कमाने के लिए इतनी डील कर रहा है वो उस डील को बिगाड़ने के लिए पोस्टर शाम को क्यों लगवाएगा? मसला ये था भी माफीनामे की मंजूरी के साथ हजूर पिताजी पंजाब में सत्संग कर सकते थे, इसलिए इस बात की बराबर तैयारी की गई कि फिल्म तो चल जाए, सत्संग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस प्लान पे काम किया गया भी सत्संग ना हो, इसलिए बेअदबी करवा दी जाए। और ये अब क्योंकि मैं इस चीज को बहुत बारीकी से स्टडी कर चुका हूं कि ये बेअदबी एडम ब्लॉक ने करवाई, और हम इसमें कोई कहने में कोताही नहीं है भी प्रदीप कलेर का भी इसमें हाथ रहा होगा, राकेश दिड़वा का भी हाथ रहा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जगजीत सिंह और जोरा सिंह का, क्योंकि 2007 की लड़ाई भी जगजीत सिंह और जोरा सिंह ने ही करवाई थी जब शुरू हुआ काम, तो इनका हाथ नहीं रहा होगा ये इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि अब प्रदीप कलेर का अचानक उतरना और एडम ब्लॉक का चुप हो जाना, इसका मतलब क्या है भी ये अपने आप में मौन सहमति है भी प्रदीप कलेर जो कह रहा है भी बेरगाड़ी बेअदबी कांड में एडम ब्लॉक की भूमिका है, ये उसका एक साइलेंट एडमिशन है। मतलब कानून में कहावत है साइलेंस अमाउंट्स टू एडमिशन, एडम ब्लॉक की चुप्पी इस चीज की गवाही देती है भी ये वाकई में बेअदबी कांड में शामिल है। अब आ गया अगला मसला। अब प्रॉब्लम क्या है भी सिखों के साथ समस्या यह थी कि भाई डेरे से संबंध नहीं रखना। इन दिनों क्या हो रहा है भी अकाली दल की राजनीति बहुत पिछड़ गई है, और धीरे धीरे करके अकाली दल के नेता अकाली दल को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं अकाली दल से।
और नतीजा क्या है, जो बादल फैमिली है वो अकेली बढ़ती जा रही है। पार्टी की हालात ये है, अभी एक हलके में 1500 वोट उनको मिल नहीं पा रहे हैं, जहां 15-15 हजार, छोड़िए 50 हजार तक वोट मिलते थे, वहां 1500 वोट नहीं मिल पा रहे हैं अकाली दल को। इस हद तक अकाली दल आ गया है। ऐसे में सबको दिखता है भी अकाली दल एक डूबता जहाज है, तो लोग अपने अपने रास्ते नाप रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या है, अकाल तख्त की कोर्ट में एक मसला पहुंच गया दोबारा से कि भाई जो बादल था, बादल फैमिली थी, या खास तौर पे सुखबीर सिंह बादल है, भी इस व्यक्ति ने अकाल तख्त के आदेश की उल्लंघना की है। अकाल तख्त के आदेश की उल्लंघना का मतलब सिख समुदाय से गद्दारी माना जाता है उनके दौर उनके हिसाब से। अब क्योंकि अकाल तख्त भी उसी का ही है, उसी का हुक्मनामा, वही गद्दार घोषित हो गया आपने उसमें, तो ऐसे में वहां एक उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है भी, क्या सुखबीर सिंह बादल गद्दार है या नहीं है। इस सुनवाई का आखिरी फैसला आने वाला था। उस फैसले के आने के जस्ट एक दिन पहले अचानक से प्रदीप क्लेर मजार में उतरता है, मीडिया में उतरता है, और वो ये बोलता है कि सुखबीर सिंह बादल हजूर पिताई से चोरी छिपे मुलाकात करता रहा है। इस मसले का डेरे के अपने इंटरनल मसलों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि अकाल तख्त की अदालत सुखबीर सिंह बादल को बरी, मतलब आरोप मुक्त ना कर दे। और ऐसे में ये इस स्थिति में पंजाब की राजनीति गर्मा जाती है यहां पे आके, और ये मसला पंजाब में बहुत हॉट शॉट है। अब क्योंकि बादल कोई साधारण आदमी नहीं है, उसने लगभग 1978 से लेके 2024 तक इस व्यवस्था को, 1978 से 1998 तक इस व्यवस्था को बुना कि भी कैसे ये सब चीजें मेरे काबू में आए, और 1998 से 2024 तक वो इस व्यवस्था का मजा ले रहा है कि वो ये सारी व्यवस्था मेरे कंट्रोल में, और वो इसकी ताकत को एंजॉय कर रहा है। अब मसला ये है भी उससे वो ताकत छीनने वाले उसी के अपने लोग हैं, डेरा का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या है कि ये कैसे साबित हो कि सुखबीर सिंह बादल वाकई में हजूर पिताई से मुलाकात करने आता था, तो इस बात का दावा करते हुए प्रदीप क्लेर बाजार में उतरता है। मतलब प्रदीप क्लेर खुले तौर पे ये चाहता है कि सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त से माफी ना मिले। मतलब जो लोग हजूर पिताई से माफी मंगवाने का ड्रामा करते आए, उनको खुद माफियां मांगनी पड़ रही हैं और उनको माफी मिल नहीं रही है। ठीक वैसी सिचुएशन आ गई। मतलब इसे बोलते हैं ब्रोकन एरो, या फिर मतलब आपके तीर घूम के आप ही की तरफ आ गए एक तरह से। तो उस तर्ज पे प्रदीप कलेर बाजार में उतरा है, और इस कॉन्सेप्ट पे भी अकाली दल के चीफ को माफी नहीं मिलनी चाहिए, और वो ये दावा कर रहा है कि मैं अकाल तख्त पे जाके इस बात की गवाही दे सकता हूं भी सुखबीर सिंह बादल पिताजी से मुलाकात करता रहा है अकाल तख्त के आदेश की उल्लंघना करके। अब क्योंकि राजनीति के अंदर कानून इतने मायने नहीं रखते, राजनीति में मायने रखती है धारणा, नैरेटिव, आप किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, नेता के बारे में क्या सोचते हैं। तो अब क्योंकि सिख ये समझते हैं भी सुखबीर सिंह बादल के राज में, या सुखबीर सिंह बादल की जो तौर तरीके हैं, उस सब में सिख समुदाय कहीं पिछड़ गया है, और पिछड़ने की इसलिए अगर सिख समुदाय को आगे बढ़ाना है या उनको दोबारा से उठाना है, उसके लिए सुखबीर सिंह बादल का कब्जा जो है एक तरह का वो छुड़वाना जरूरी है। और उस तर्ज पे बहुत सारे इंटरनल जो सिख डिस्प्यूट्स हैं आपस में, जो अकाल तख्त की गद्दी पे पहुंचने की रेस है, या SGPC के गद्दी पे पहुंचने की रेस है, या गुरुद्वारों से जो चंदा इकट्ठा होता है उस चंदे के ऊपर कंट्रोल जमाने की जो रेस है, उस रेस के अंदर हर कोई बादल फैमिली को हराना चाहता है भी हम उस रेस में आगे पहुंच जाएं। ये एक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में जब बादल इस चीज को जीतने की तरफ बढ़ने लगता है, ऐसे में प्रदीप कलेर आके उसको जीतने नहीं दे रहा है। ये एक पॉलिटिक्स है। अब क्योंकि जो बादल के खिलाफ लोग हैं वो भी सिख ही लोग हैं, क्योंकि SGPC पे कब्जा डेरे को तो नहीं चाहिए, SGPC पे कब्जा सिख लोगों को ही चाहिए, तो वो जो इंटरनल उनकी लड़ाई है, उनको अचानक से प्रदीप क्लेर अच्छा लगने लगा कि भाई ये प्रदीप क्लेर गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कराई, चलो इसको एक बार साइड में रखो, लेकिन इसकी गवाही से फिलहाल एक बार बादल को साइड हटा लो। तो उन्होंने रातों रात मीडिया ने
प्रदीप कलेर को हीरो बना दिया और तीन चार अलग अलग न्यूज चैनल्स पे उसके धड़ाधड़ बैक टू बैक इंटरव्यूज आने लगे। अब क्योंकि एडम ब्लॉक इस पे चुप है, अब वो हजूर पिताजी के भी खिलाफ बोल रहा है और हजूर पिताजी के साहब का जो नाम है वो भी बड़े बदतमीजी से ले रहा है, और इसलिए ये मान सकते हैं कि वो डेरे के भी हजूर पिताजी के भी खिलाफ है। उसका कहना है भी हजूर पिताजी सही दिशा में नहीं थे, गलत थे, और हजूर पिताजी को भी वो गलत बोल रहा है, सुखबीर बादल को भी गलत बोल रहा है, वो एक चश्मदीद गवाह के तौर पे खुद को प्रस्तुत कर रहा है। इस मतलब ये लड़ाई सीधे सीधे एडम ब्लॉक, क्योंकि प्रदीप एडम ब्लॉक अब बीजेपी के कमांड में है और अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया है, तो इसलिए एडम ब्लॉक भी चाहता है कि अकाली दल से उनका पीछा छूटे और एक राजनीति इस दिशा में बढ़ रही है कि 2027 में पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। तो इस ट्रैक पे जो डेरा मैनेजमेंट है और प्रदीप कलेर है, ये सब बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं और ये चाहते हैं कि बादल खत्म हो जाए और वहां उसके बाद जो नए लोग आएंगे उनको बीजेपी को कब्जाना उनको आसान हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट पे सारी रेस है। मतलब आप इसको ये मत समझे कि प्रदीप कलेर डेरा से अलग है, क्योंकि अगर प्रदीप कलेर डेरा से अलग होता तो सबसे पहले जगजीत और जोरा सिंह का नाम लेता, लेकिन उसने नहीं लिया। आपको थोड़े दिन पहले ध्यान हो भी, जगजीत सिंह ने अचानक नाम चर्चा करवाई और अचानक नाम चर्चा में उसका आना, हमने आपको बोला अभी जगजीत सिंह का नाम चर्चा में आना एक सोची समझी साजिश है। तो उस कॉन्सेप्ट पे आप समझो कि जगजीत सिंह अचानक आता है, उससे अगले दिन या उस रात को, मतलब जगजीत सिंह को यह बात पता थी नाम चर्चा होस्ट करने से पहले कि आज रात को या कल प्रदीप कलेर का इंटरव्यू आने वाला है, और इसलिए उसने पहले अपने आप को डेरे का पक्षधर दिखा दिया कि मैं तो डेरे वाली साइड हूं, प्रदीप कलेर वाली साइड नहीं हूं। लेकिन एक्चुअल में जगजीत सिंह का नाम कलेर के द्वारा ना लिया जाना यह अपने आप में समझाता है कि जगजीत सिंह जो पंजाब का 2006 से हेड लगातार रहा है, वो अचानक से वो एडम ब्लॉक का मेन डेरे का वाइस प्रेसिडेंट है, जिसके आगे प्रदीप कलेर बहुत बोना है, उसका कद बहुत छोटा है। मतलब डेरे की अपनी संस्था के नीचे आधा दर्जन संस्थाएं चलती हैं और मेन संस्था का वाइस प्रेसिडेंट और एक एक छोटी संस्था का नॉर्मल प्रेसिडेंट, तो डेरे का वाइस प्रेसिडेंट के सामने वो नॉर्मल प्रेसिडेंट बहुत छोटा है। बावजूद इसके जगजीत सिंह का नाम ना आना बीच में, तो ये अपने आप में है कि जगजीत सिंह और प्रदीप कलेर मिलके तरीके से हनीप्रीत के ग्रुप को डेरा से साइड करना चाहते हैं और अब इस डेरे को खुद हथियाना चाहते हैं, क्योंकि इस सारे चैप्टर में तीसरा ग्रुप भी है, वो तीसरा ग्रुप है आरएसएस। और आरएसएस और बीजेपी क्योंकि अलग अलग ट्रैक पे खेल रहे हैं, तो आरएसएस चलती है बबलू के थ्रू। अब आरएसएस वाले लोग टेक्निकल ज्यादा हैं, वो राजनीति कम है, टेक्निकल ज्यादा है, वो कानून से एजेंसियों से इस तरीके से काम करते हैं, तो उनको पता है भी इन लोगों के ऊपर दबाव बना के कैसे रखना है। जिस तरह से नौकरशाह आईएएस आईपीएस नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, उसी तरह से जो आरएसएस ग्रुप है ये डेरा प्रबंधकों की बुद्धि भ्रष्ट करता है। मतलब डेरे के अंदर रेस लगी है भी राकेश दिड़बा वाले ग्रुप से डेरे की जो बागडोर है वो कैसे छीननी है, और इस दूसरी तरफ प्रदीप कलेर और जगजीत सिंह अलाइड ये ग्रुप जो बीजेपी के प्रो बीजेपी है, ये ग्रुप मिलके अकाली दल को भी हराना चाहता है और बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर देना चाहता है, मतलब बीजेपी को ताकतवर बनाना चाहता है पंजाब में। उस तर्ज पे वो अकाली दल के खिलाफ उतर गया, क्योंकि जो पंजाब के अंदर इंटरनल सिख पॉलिटिक्स है उनको इस चीज का फायदा है, इसलिए वो प्रदीप कलेर को अभी बेअदबी के दोषी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, वो उसको एक ऐसे गवाह के तौर पे देख रहे हैं जो सुखबीर सिंह बादल को हराने में कामयाब हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे सारी खिचड़ी चल रही है। इस सबके बीच आए नकली वाला मसला। अभी नकली वाला मसला क्या है? नकली वाला मसला तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं, अभी जो पैरोल पे व्यक्ति आ रहा है वो नकली है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये भी, अकाली दल को बचना है। मतलब हम नहीं कह रहे भी ये मुद्दा नकली असली, हम तो कह ही रहे, मतलब हम नहीं कह रहे कि अकाली दल उठाए, लेकिन सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ऐसी है भी, सबको पता है भी बरनावा में पैरोल पे आने वाला व्यक्ति नकली है, वो एक नहीं एक से ज्यादा है, ये सबको पता है। वो कौन है ये भी लगभग हमें अंदाजा हो ही गया है, तीन चार व्यक्तियों को तो हमने आइडेंटिफाई लगभग कर ही लिया है, लेकिन ये अंदाजा हमें हो भी गया और उनकी चुप्पी ये बताती है इसका मतलब वो शामिल हैं। अब मसला ये भी, अकाली दल को अगर बचना है तो नकली वाला मसला उठा दे,
उठाए ना उठाए। अगर नहीं उठाएंगे तो नकली वाले व्यक्ति से कहलवाना कितना आसान है। अभी सुखबीर सिंह बादल आया था मुझसे मिलने, और जब ये बात पैरोल पे आके यूपी वाला बोल देगा, अगला पत्ता जब चला जाएगा तब बादल क्या करेगा, तब अकाल तख्त उसे माफी कैसे देगा। जिस व्यक्ति से मिला वही बोल दे, क्योंकि खेल तो सारा बीजेपी के एंड से चल रहा है। खिलाड़ी एडम ब्लॉक हैं जिनके कंधे पे बंदूक रखी हुई है, और निशाना अकाली दल का बादल है। मसला ये खिचड़ी इतनी मजेदार है, बीच में एडम ब्लॉक जो आज तक अकाली दल की मदद से अरबों पति बन गया, आज वही अकाली दल को खत्म करने के लिए तुला हुआ है। और दूसरा भी जिस बीजेपी के आसरे अकाली दल ने एसजीपीसी और अकाल तख्त के ऊपर अपनी धाक जमाई, वही बीजेपी अब अकाली दल को मारने चली है। ये सीधी सीधी कहावत है भी, सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे तो वो बड़ा होके आपको अमृत नहीं देगा, वो जहर ही देगा, आपको डसेगा ही। तो ठीक वैसा ही है, क्योंकि उसका प्रेम तो डसने में ही है, तो ये ठीक वैसा ही है भी। अकाली दल की मदद से एडम ब्लॉक पनपा, अकाली दल बीजेपी की मदद से पनपा, बीजेपी ने एडम ब्लॉक को कब्जा लिया और एडम ब्लॉक के कंधे पर रख के अकाली दल को मारना शुरू कर दिया। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये पंजाब की राजनीति में एक बड़ा भूचाल है। अब क्योंकि बादल एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और बहुत सारे किस्से घटनाएं, मतलब क्रिमिनल इंसिडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सब कहानियां बादल की फैमिली से जुड़ती हैं और अलग अलग तरीकों से। और इस सब में 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेके 2007 का मसला हो, 2017 का मसला हो, उसके बाद अब 2024 आ रहा है, तो ये सब कॉन्सेप्ट में आरएसएस, बीजेपी, अकाली दल, डेरा मैनेजमेंट, ये सब अपना अपना रोल प्ले करते आ रहे हैं। अब क्योंकि बाकी सब प्लेयर बाहर हो गए हैं, तो जो वो चार चोरों वाली कहानी पिटाई सुनाया करते ना, कि चार चोर थे, दो खाना लेने चले गए, दो बैठ गए खजाने की रखवाली के लिए। जो खाना लेने गए उन्होंने खाने में जहर मिला दिया, जब वो जहर वाला खाना लेकर आए तो उन्होंने उनको पहले ही मार दिया। जब मार के वो खाना खाने लगे तो भाई वो खुद भी मर गए, तो खजाना रुल गया। तो ठीक वैसा ही है। चलो इस सबको अलग कर दो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, किरदार आप उसमें अपने आप फिट कर लेना, क्योंकि अगर मैं किरदार फिट करूंगा तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और उसके बाद हम समाप्त करते हैं। एक गुंडा था, कोई भी समाज में बहुत अच्छा सा गुंडा था, मतलब अच्छा कह सकते हैं, बड़े पर्सनैलिटी वाला, और समाज में वो अच्छा भी था लेकिन गुंडे गुंडा भी था और अच्छी पर्सनैलिटी भी रखता था। उसने क्या किया भी, यार पैसा कमाना है, तो उसने देखा कि मेरे गली के अंदर या मेरे इलाके में दुकानें खुली हैं छोटी छोटी। उसने छोटी छोटी दुकानों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया, और हफ्ता वसूल के बोला भी मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अब बाहर से कोई व्यक्ति तंग करने आता तो वो भी उनको सुरक्षा देता, लेकिन उनसे हफ्ता वसूलता था। धीरे धीरे उसने देखा भी अब ये मेरे पे निर्भर हो गए हैं। उन्होंने कहा ऐसा है भी, तुम अपनी दुकानों पे मेरे हिसाब से चलाओ दुकानें। तो उन्होंने भाई गुंडे के हिसाब से दुकानें चलाना शुरू कर दिया। अब गुंडे ने देखा भी यार मेरी दुकानों के, मेरे पे जो मैं जिन पे कब्जा कर रहा हूं छोटी छोटी दुकानें, क्यों ना बड़ी दुकान पे कब्जा किया जाए। तो वो अपने दायरे से बाहर निकला। उसने क्या किया भी, उन दुकानों वालों को साथ मिला लिया भी, चलो आप बड़ी दुकान पे कब्जा करेंगे या बड़ी दुकानों से हफ्ता वसूलेंगे। तो वैसे वैसे वो अपने इलाके से बाहर बराबर पड़ोस वाले इलाके में जाने लगा, वहां की दुकानों से हफ्ता वसूलने लगा। फिर उससे बड़ी, उससे आगे करते करते वो फैल गया, पूरे स्टेट से वसूलने लगा, पूरे जिले से वसूलने लगा, फिर पूरे स्टेट से वसूलने लगा। इस तरह से उसका धंधा चलने लगा, और धीरे धीरे उसने देखा भी अब जैसे वो वसूल रहा है वैसे उसके बराबर दूसरे स्टेटों के अंदर भी गुंडे हैं, वो अपने स्टेट से वसूल रहे हैं, ये अपने स्टेट से वसूल रहे हैं, मतलब ये धंधा चल रहा है, हर स्टेट में कोई ना कोई है। अब प्रॉब्लम क्या है भी, एक स्टेट के गुंडे की दूसरे स्टेट के गुंडे से लड़ाई होने लगी, कि भाई यार दूसरे स्टेट के गुंडे से भी हफ्ता वसूलना है। ऐसे में पहले स्टेट के गुंडे ने क्या किया, अब एक काम करते हैं, दूसरे स्टेट के गुंडों से दोस्ती ना करके वहां की पुलिस से दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने वहां की पुलिस से दोस्ती कर ली, और तरीके थे दूसरे स्टेट के गुंडों को पुलिस मामलों में उलझाना शुरू कर दिया। अब पुलिस से सेटिंग करने के बाद क्या, दूसरे स्टेट के गुंडों में अफरा तफरी मच गई, अफरा तफरी में उनकी लड़ाई रहने लगी। और इस लड़ाई में पुलिस ने क्या किया, पुलिस की सेटिंग थी, पुलिस ने भाई
पैसे लेके काम किया और तरीके से दूसरे स्टेट के गुंडों को जबरदस्ती पकड़ना शुरू कर दिया और ये सब चीज हुई। और उसके बाद जब दूसरे स्टेट के गुंडे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे तो फिर इधर दूसरी एक जो पहले वाली स्टेट का गुंडा वो आया, बोला जी हफ्ता वसूली दो तो आप रह सकते हो। तो दूसरे स्टेट के गुंडों ने उस आपस में समझौता कर लिया, तो जो सबसे पहले गुंडा शुरू हुआ था वो गुंडा बड़ा हो गया। तो उसका क्या, मान लो एक गुंडे का तो चार स्टेट तक बिजनेस फैल गया और एक गुंडे का दो ही स्टेट तक रह गया। तो ऐसे गुंडागर्दी करते 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 हुई। अब धीरे धीरे जो सबसे पहला गुंडा था उसने कहा यार क्यों ना आप अपनी दुकान ही खोल लें बड़ी सी, अब अपने को कौन दिक्कत कर सकता है। तो उसने तय किया भी, उसने देखा भी दुकानें कौन कौन सी बढ़िया दुकानें जिस पे ज्यादा माल बिकता है, ज्यादा कमाई होती है। उसने सारी दुकानों की बढ़िया बढ़िया चीजें देख ली, बढ़िया बढ़िया लिस्ट बनाई भी यार इस दुकान पे ये चीज बढ़ी है, इस दुकान पे ये चीज बढ़ी है, भी सबकी बढ़िया बढ़िया आइटमें लिख लो और अपनी दुकान खोल लो। तो जब उसने अपनी दुकान खोलने का कॉन्सेप्ट बनाया भी मैं अपनी दुकान खोलूंगा, अब जितने व्यापारियों से वो हफ्ता वसूलता था उनको गया भी अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि अब इसको हफ्ता तो वसूलना आता है, इसको दुकानदारी करनी नहीं आती। तो अब गुंडे को क्या, गुंडे की मति भ्रष्ट थी, उसने क्या किया दुकानदारी खोल ली। उसने एक स्टेज पे आके अपनी दुकान खोली, बहुत आलीशान दुकान खोली, बड़े बड़े लोगों को इन्विटेशन देके बुलाया मेरी दुकान पे आओ, देखो कितनी बढ़िया दुकान मैंने खोली है, मेरे से बढ़िया दुकान किसी की है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये थी जो पुराने दुकानदार थे सारे, उन्होंने तय कर लिया यार इसकी दुकान चलने नहीं देनी, हमने अपने ग्राहक वहां जाने नहीं देने। तो उन्होंने अपने ग्राहकों को इस हिसाब से सेट करना शुरू कर दिया भी यार इस दुकान पे जाना ही नहीं। तो लोग क्या कहे, लोग उसकी दुकान पे जाएं लेकिन सामान ना खरीदें। अब दुकान खुल गई, अब गुंडे ने जब दुकान खुल गई और मार्केट में उसकी दुकान पिट गई तो उसकी गुंडागर्दी कमजोर हो गई। अब जब उसकी गुंडागर्दी कमजोर हो, क्योंकि जब खुद की दुकान नहीं चली तो पिट गई, पिट गई तो कमजोर होने लगे, लगा इस गुंडे के पल्ले कुछ नहीं है, वैसे डरा रहा था ये तो, इसको कुछ करना आता होता तो छोड़ो परे, जो अपनी दुकान नहीं संभाल सकता हमारी दुकान को सुबह संरक्षण देगा। लोगों ने उसको ठुकराना शुरू कर दिया, अब वो गुंडा कमजोर होने लगा। जब वो कमजोर होने लगा तो उसको लगा भी है तो यार मेरी पोल खुल गई, मैंने गलती कर ली अपनी दुकान खोल के, लेकिन अब खुल गई, अब इसको क्या करें, पड़े रहने दो। चलो लोग उसकी दुकान पे जाते हैं लेकिन वहां से सामान नहीं खरीदते, वो दुकान पिट गई। अब उसने देखा भी सबसे बढ़िया दुकान किसकी चल रही है, क्यों ना उसकी दुकान कब्जाई जाए। तो अब मसला ये है कि जो लड़ाई है वो सबसे बढ़िया दुकान को कब्जाने की है। किरदार इस कहानी में आप अपने आप फिट कर लो, कौन क्या खेल खेल रहा है, कौन किस तरीके से खेल रहा है। असली मसला यही है, किसी के लिए वो किसी रूप में, किसी के लिए वो किसी रूप में। रही बात पेट्रोल पंप की, तो एक वीडियो हमने आपको डाला है कि पेट्रोल पंप जलंधर के अंदर अमृतसर बायपास के ऊपर एक पेट्रोल पंप है, ये दावा एक पत्रकार करता है। अभी हमने उसकी पुष्टि नहीं की है क्योंकि ये आज ही आया, हो सकता है अभी हम कोशिश कर रहे हैं भी जलंधर के आसपास का कोई व्यक्ति हमारी टीम का सदस्य हो जो इस तरीके इसकी जाके पुष्टि करके बता सके, लेकिन क्योंकि इसकी इसका खंडन नहीं होगा तो समझ लेना भी है। और अब ये खुले तौर पे है भी हजूर पिताजी के दामाद जो हैं वो किस तरह से सुखबीर सिंह बादल से चुनावी फायदे ले रहे थे, या अकाली दल से कहें, हम सुखबीर सिंह बादल को नहीं अभी ब्लेम करते, अकाली दल से कहें भी वो किस तरह से फायदे ले रहे थे और इस फायदे में पेट्रोल पंप लिए जा रहे। और हजूर पिताजी का मुझे अच्छी तरह याद है 2015 के अंदर हजूर पिताजी ने वचन किए थे खुले तौर पे, मेरे को अच्छी तरह याद है भी कोई हैंड पंप लगा रहा है, कोई पेट्रोल पंप लगा रहा है। और ये पेट्रोल पंप इसलिए क्योंकि पेट्रोल पंप जो दान सिंह है डेरे में, पेट्रोल पंप उसे भी अलॉट हुए हैं। और हम ये समझते थे भी ये पेट्रोल पंप की बात पिताजी सिर्फ दान सिंह के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये हजूर पिताजी के अपने दामाद भी ये काम कर रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात हमारे सामने आज सामने आई है। तो ये एक चीज और समझ में आती है भी किस तरह, क्यों डेरे का जो जो ये शाही परिवार के सदस्य हैं या जसमीत भाई हो रहे हैं या बहन जो चरणप्रीत बहन और अमरप्रीत बहन है, इन्होंने अपने पैसे अपना धंधा अपना व्यापार चलाने के लिए हजूर पिताजी के साथ बेईमानी की, गद्दारी की और राजनीतिक फायदे उठाए अपने स्वार्थ के लिए। और जब हजूर पिताजी के ऊपर झूठे आरोप
लग गए तो इनको लगा भी अगर हजूर पिता तक ये आरोप रह जाएंगे तो हम चुपचाप निकल जाएंगे। तो अभी ये बाहर निकल के विदेशों में इन्होंने बकायदा अपने नाम में पिता के नाम की जगह से हजूर पिताजी का नाम हटा लिया है अपने पहचान पत्रों से। तो अब किसी ने आज मेरे को कमेंट लिखा कल कि आप ये शाही परिवार है, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो धर्म शास्त्र कहते हैं, जो गुरुवाणी कहती है, जो पिताजी या संत मत कहता है, जो भी मतलब रूहानियत की दुनिया कहती है, संत के माता पिता ही पूजनीय होते हैं, उनके बच्चे पूजनीय नहीं होते। अगर आप गुरुवाणी पढ़ोगे उसमें लिखा है धन धन पिता है ना, धन वो कुल, धन वो जननी, जिस गुरु जनया जाए, जिसने गुरु को जन्म दिया, धन धन पिता धन धन कुल धन जननी जिस गुरु जमया जाए, मतलब धन पिता धन कुल और धन माता, बच्चे नहीं है, जिस कुल से मतलब जो कुल चलता आ रहा है, संत के बाद नहीं, संत से पहले जो कुल चलता आ रहा है, जिस कुल में लोग पुण्य कमाते हैं उसी में संत अवतार धारण करते हैं, आगे नहीं, संतों से आगे कुल नहीं चलता। अगर होता तो आपको मिलता अभी आज पुराने गुरुओं के कुल कोई सॉरी मिलते, लेकिन कोई है ही नहीं ऐसा जिनको आप पूजनीय कहो या संस्कारी कह सको। तो ये चीजें हैं, तो शाही परिवार के लिए, शाही परिवार के नाम पे या शाही परिवार हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बड़े माता जी तक सीमित है, क्योंकि ये गुरुवाणी कहती है और वहीं तक ही सीमित है, इसके आगे नहीं है। और अब जब खुले तौर पे पत्रकार ये बोल रहे हैं तो उनको परिवार खंडन करे ना करे, लेकिन अब ये खुले तौर पे, क्योंकि अब ये पुख्ता सबूत है कि भी परिवार हजूर पिताई के साथ और डेरे की संगत के साथ गद्दारी करता आ रहा था, वो दोगला है सिवाय हजूर पिताजी के माताजी के, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई जिए मरे भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी के माताजी तक सीमित है, इतिहास में उन्हीं का नाम पूजनीय रहेगा, नीचे किसी सब किसी का नाम हजूर पिताजी के विरोधियों और गद्दारों के रूप में साथ संगत के साथ गद्दारी के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने गले से हजूर पिताजी ने वचन किए थे जब तक आपके गले में पटा है तब तक ही सलाम है, उन्होंने अपने गले से पटा उतार दिया है, उनको सलाम किस चीज का, सलाम गुरु को है, सलाम कोई आगे उनके नीचे वंशजों को नहीं होता, जब गुरु के नहीं हुए तो वो संगत के नहीं हुए तो किसी और के कैसे होंगे। तो खैर ये सब परिस्थितियां जो चल रही हैं फिलहाल पंजाब में वो हमने आपके सामने रखी हैं। असली मसला अकाली दल को खत्म करना है, राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी खत्म होगी और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां उभरेंगी, इसके अलावा जो गुल्लक से होने वाली कमाई है दान पात्रों से उसको लेके लड़ाई है, कौन किस पे कितना कब्जा है, इस सब में ना धर्म कहीं है, ना रूहानियत कहीं है, ना आध्यात्मिक दुनिया कहीं है, ना सिख मर्यादा कहीं है, ये सब चीजें एक राजनीतिक प्रपंच है और इस प्रपंच में कौन अपनी नैरेटिव को कैसे साबित करता है। अब कल को अकाली दल के पास विकल्प क्या बचा है, अकाली दल के पास एक ही विकल्प बचा है भी अगर वो हजूर पिताजी के पक्ष में खड़ी हो जाए तब प्रदीप कलेर भी झूठा हो जाएगा, बीजेपी भी झूठी हो जाएगी और उनके बागी नेता भी झूठे हो जाएंगे, उसको अकाली दल को साबित करना पड़ेगा कि यूपी में आने वाला व्यक्ति नकली है, वरना अगर पैरोल हुई और यूपी वाला व्यक्ति बोल दे कि भी हाँ सुखबीर बादल मुझसे मिलने आता था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके से ये बात बोल दे, उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि ये एक हिंसक मोड़ ले सकती है और हिंसक मोड़ में कितने लोग आपस में लड़ पड़े, और ये लड़ाई सिख वर्सेस सिख है, इसमें डेरा कहीं नहीं है, ये सिख वर्सेस सिख की लड़ाई है, और ये हम आपको आपको पता नहीं लेकिन हम तो जितने हमारे को सरकारी अधिकारी मिलते हैं, हो सकता है मैंने लाइव में कभी बोला हो, लेकिन जितने सरकारी अधिकारी 2021 से मेरे संपर्क में हैं उनको मैं एक बात हमेशा बोलता आ रहा हूं कि आप लिखवा लो हमसे एक स्टेज पे सिख वर्सेस सिख, ये लड़ाई आपस में होनी ही होनी है। एक तो इसकी वजह ये है भी हजूर पिताजी ने वचन कर दिए बांस से बांस टकराएगा, मतलब ये आपस में ही लड़ लड़ मरेंगे। दूसरा जो परिस्थितियां हैं जब तक ये आपस में लड़ेंगे नहीं, दो बिल्लियां आपस में लड़ेंगे नहीं तो बंदर माल कैसे खाएगा, तो ये चीजें चलेंगी। अब राजनीतिक चीजें राजनीतिक तरीकों से चल रही हैं,
इसमें हमें और आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रदीप क्लेयर मैनेजमेंट बीजेपी की तरफ से खेल रही है और उनके साथ मिलके बाकी के सिख अपना स्वार्थ साध रहे हैं, या सिख तो नहीं कहेंगे, बाकी के लोग जो इस इंटरनल सिख पॉलिटिक्स की रेस में हैं। और अकाली दल अपनी जो साख उसने 1999 से लेके 98 से 2024 तक बनाई, वो उसको बचाने की तर्ज पर चल रही है। सब किसी की अपनी लड़ाई है। मसला यह है, मजेदार ये है, भी अब नकली असली का मसला अपने आप एक राजनीतिक रूप लेगा और आप बैठ के और हम बैठ के तमाशा देखें, भी अब नकली नकली रहेगा या असली बन के बादल की मंजी ठोकेगा। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं सच्चाई आपको समझ आई, इस मसले को आप समझ पाओगे, नहीं समझोगे, नहीं समझे न समझोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तमाशा जो है वो आप बैठ के देखिए। ये क्या ना मालिकों मालिकों का झगड़ा है। पहले मालिक अकाली दल बोलता था मैं हूं, बीजेपी बोल, तब अकाली दल के को बड़ा मालिक दिखाया गया, बाकी सब छोटे मालिक थे। अब अकाली दल छोटा मालिक हो गया, बाकी बड़े मालिक हो गए। तो ये मालिकों मालिकों का झगड़ा है, कौन असली है, कौन अच्छा मालिक है, कौन नहीं है, अपने आप को मालिक साबित करने की रेस है। हम तो भैया मालिक की कैटेगरी में है ही नहीं, तो जो हैं देखते हैं कौन बनेगा। तो खैर, इस आखिरी में हम अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आस्था, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम उम्मीद करते हैं सच्चाई आपको समझ आए, आप इसको आंकलन कर पाए अपने तौर पे, और फिर भी किसी को, क्योंकि क्या है कि हम हिंदी भाषी लोग हैं और सिख मर्यादाओं को उतना नहीं जानते हैं, फिर भी किसी को लगे भी कोई ऐसी चीज हमने उनकी शान में गुस्ताखी की हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और सच्चाई सामने, इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।